सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय बाजारों को लेकर, कैसा माहौल बन सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, वो डिस्कशन करेंगे। तो अभी कल जो बाजार है उसको प्रभावित कर सकते हैं चार पांच बड़ी जो खबरें आ रही है अभी के टाइम मार्केट में, वो या आप लोग देखो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी ये खबरें या पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगी, मार्केट क्रैश और होगा या फिर यहाँ से जो अभी बॉटम बनते हुए नज़र आ सकता है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में करीब 1% की गिरावट आई है, 1% ही आप लोग देखोगे लगभग सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में 0.25% के आसपास की गिरावट, स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में भी गिरावट थी। हालांकि जो IT स्टॉक्स हैं वो हमें पॉजिटिव क्लोजिंग लेते हुए नज़र आए हैं, IT सेक्टर में ठीक ठाक माहौल बना है। तो आप लोग देखो बैंक निफ्टी अगर बात करें जो मार्केट में हमें प्रभावित होते हुए नज़र आ सकती है, क्योंकि देखो बहुत से जो बैंक्स हैं लगभग ऑल बैंक्स के जो Q2 बिजनेस अपडेट्स हैं भी वो आ गए हैं, तो डिपॉजिट्स वगैरह वो काफ़ी शानदार देखने को मिले, ठीक ठाक रही हैं। तो उन सबको देखते हुए मार्केट में एक बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव आ सकता है, ठीक है, वो एक इम्पैक्ट डालेंगे। अगर आपने नहीं देखे तो भी सभी बैंकों के जो NSE साइट पर जाओगे, BSE साइट पर जाओगे, वहाँ पर आपको उनका PDF मिल जाएगा बिजनेस अपडेट्स का, जाकर देख लेना, ठीक है, वो ठीक ठाक रहे हैं अभी सभी के। इसके अलावा आप लोग देखो एक आदमी को छोड़ के देखो भाई अलग बात है, इसके अलावा जो अगला फैक्टर जो मार्केट को प्रभावित करेगा वो अभी ग्लोबल बाजार। तो ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत आ रहे हैं, यूरोपियन बाजार की अगर मैं बात करूँ तो क्लोजिंग रही है पॉजिटिव, ठीक है, FTSE वो फ्लैट क्लोजिंग लिया है, और बाकी आप लोग देखोगे डेक्स में CAC 40, IBX 35, स्टॉक्स में आप लोग देखोगे काफ़ी शानदार तेजी, तो इन सभी में जो अभी बिल्कुल पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। उसके बाद US मार्केट की बात है तो जमकर रैली रही है अभी, नैसडेक रशल एक 1.25% 1.5% के करीब उछले, तो वही S&P 500 1% के करीब है और 0.25% के करीब डाउ जोन्स, तो यहाँ पर भी बिल्कुल ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है। तो लगभग जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। फ्यूचर मार्केट्स की बात है तो नैसडेक, डाउ फ्यूचर्स, S&P 500, इन सभी में एक बार फिर से बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, वो आपके सामने है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग यूरोप जो एशियन मार्केट्स हैं उनका कैसा हाल है, यानी कि वो जो ग्लोबल बाजार है उनमें आप लोग देखोगे यूरोपियन मार्केट्स का तो हाल आपने देख लिया होगा। एशियन मार्केट्स की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी अभी के टाइम हमें पॉजिटिव दिखाई दे रही है, अभी बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई दे रही है, लेकिन कल ये कहाँ पर क्या करेगी वो तो देखो भाई कल की बात है। उसके बाद आप लोग देखोगे अभी निकेई है, ठीक है, ये जो जापान के बाज़ार हैं, ठीक है, और चाइना के बाज़ार हैं, ये हमें बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, चाइना के बाज़ार तो खुले भी नहीं थे, और बाकी आप लोग कोरिया के बाज़ार हैं, तो लगभग ग्लोबल बाज़ारों से जो है बिल्कुल पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट डालते हुए नज़र आ सकते हैं अभी कल के दिन हमारे मार्केट्स के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा आप लोग अगला जो फैक्टर है वो है देखो एक्सिस बैंक का जो ADR ये डाउन चल रहा है, डॉक्टर रेड्डी का भी डाउन चल रहा है, HDFC बैंक का ADR 1% के ऊपर में है, तो यहाँ से पॉजिटिव संकेत है। ICICI बैंक का ADR ऊपर में है और इन्फोसिस ADR 2.25% के करीब तेजी में है, ठीक है, तो ये हमें जो अभी ठीक ठाक देखने को मिल रही है अभी के टाइम। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ अभी अगला फैक्टर जो मार्केट को प्रभावित करने वाला है। अगला फैक्टर जुड़ा अभी जम्मू कश्मीर में जो अभी इलेक्शंस की जो हमें वोटिंग होते हुए नज़र आई है वो, उधर आप लोग हरियाणा में जो इलेक्शंस हुए हैं वो, उन सब के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं ना भाई, वो एक बार फिर से आप लोग देखोगे चिंता में डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी NC की कैसी क्या सीटें आ रही हैं, जो कि गठबंधन अभी आप लोग देखोगे कांग्रेस का, तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग देखोगे एक तरफा गवर्नमेंट बनते हुए नज़र आ सकती है जम्मू कश्मीर में, किसकी, NC की 90 सीटों के ऊपर आप लोग देखोगे टोटल हुई है, तो उसके अंदर 40 से 48 सीटें हमें NC की देखने को मिल रही है, जहाँ पर BJP की 27 से 32 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। रिपब्लिक मैट्रिक में आप लोग देखोगे 28 से 30 जम्मू कश्मीर की, और 28 से 30 ही आप लोग देखोगे अनुमान लगाए जा रहे हैं BJP के। दैनिक भास्कर के अनुसार आप लोग देख सकते हो, या फिर पुपिल्स पल्स की साइट्स के अनुसार आप लोग एजेंसी के अनुसार देख सकते हो, तो ये अनुमान लगाया जा रहे हैं BJP पिछड़ रही है अभी वहाँ पर। इसके अलावा आप लोग देखो हरियाणा के अंदर जो एग्जिट पोल आए हैं आज तक के अनुसार अगर देखा जाए, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलते हुए नज़र आ सकता है, 50 से 58 जो सीटें हैं वो मिल सकती है, और वहीं BJP को आप लोग देखोगे 20 से 28 जो सीटें वो आते हुए नज़र आ रहे हैं, कि पूर्ण बहुमत से जो BJP वो पिछड़ते हुए नज़र आ रही है अभी, पूर्ण बहुमत 45 सीटों का है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कांग्रेस की सरकार बनते हुए नजर आए, दोनों जगहों पर आप लोग
बीजेपी अगर पिछड़ते हुए नजर आ रही ना, तो उसकी वजह से यहाँ पर हमें इम्पैक्ट आते हुए नजर आ सकता है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है एग्जिट पोल्स के अनुसार। आपका इनके ऊपर क्या कहना है जरूर कमेंट में बताना। इसके अलावा आप लोगों के ग्लोबल बाजार से बिल्कुल पॉजिटिव संकेत है, वहां से डरने की जरूरत नहीं है। लेवल वगैरह आपको बताएंगे, सपोर्ट वगैरह क्या बन रहे हैं अभी के टाइम मार्केट में। इसके अलावा और क्या चीज़ें एनएससी के अनुसार अगर आप लोग देखोगे, एक और खबर आते हुए नजर है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर देखो भी एनएससी ने भी सेबी के साथ जो अपना टीएपी आर्किटेक्चर्स केस था उसको निपटा लिया। 643 करोड़ का जो भी जुर्माना वगैरह वो यहाँ पर पे हुआ है, तो इसका जो ना भी मामला शांत हो चुका है, समझौता हो चुका है। तो ये हमें जो ना भी एनएससी की तरफ से बड़ी खबर आते हुए नजर आई है। सीएनबीसी आवाज पर आप लोग ये खबर देख भी सकते हो भाई, ठीक है। तो ये खबरें हैं, इन खबरों के बेस पर मार्केट में हमें जो ना भी माहौल जमते हुए नजर आ सकता है, बॉटम बनेगा नहीं बनेगा। देखो भाई सभी जगहों से थोड़े से ढीले ढाले संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे सबसे बड़ा जो संकेत है वो है एफआईआई की सेलिंग लगातार हो रही है अभी। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी आप लोग देखोगे करीब 9,896 करोड़ की सेलिंग रही है, जबकि 8,905 करोड़ की जो डीआई है उन्होंने खरीदारी की है। तो नेट सेलिंग आई अभी है, ठीक है। वैसे जो टोटल सेलिंग की है वो 24,421 करोड़ की रही है, ठीक है, जिसमें से खरीदारी जो हुई है वो आप लोग 14,524 करोड़ की, यानी कि हुई तो बिक वाली हाँ भी है। तो 9,896 करोड़ की जो हैवी बिक वाली वो हमें देखने को मिले। तो अभी के टाइम सपोर्ट क्या बनेंगे चलिए वो देख लेते हैं। अभी के अनुसार अगर सपोर्ट देखे तो 24,975 का हमें पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो फिर अगला सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा भी 24,760 के आसपास, ठीक है। तो ये दो सपोर्ट हम लेके चलेंगे, 24,975 और 24,760 का, ठीक है। तो ये दो सपोर्ट रहेंगे और ऊपर में आप लोग देखोगे भी अगर इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आते हुए नजर भी आया। अभी लास्ट में आप लोग देखोगे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद अगर एक अच्छा मूव बनता है मार्केट को देखते हुए, ग्लोबल बाजारों को देखते हुए, तो ये हमें जो ना अभी ऊपर में लगभग मूव दे सकते हैं 25,164-25,172 ये टारगेट ऊपर में हमें आते हुए नजर आ सकते हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर में अगर ये सस्टेन किया उस कंडीशन में। तो ये रहेंगे भी लेवल। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो, आप लोग जरूर बताना भी नेगेटिव जाएगा या मार्केट पॉजिटिव जाएगा, जो खबरें रही हैं उनके बेस पर किस प्रकार से आपको लग रहा है। मेरे को तो पॉजिटिव लग रहा है और बाकी भी देखते हैं कैसा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।